नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी क्रेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेली वीकली मंथली करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो बिना देरी किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लेबनान गणराज्य देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो लेबनान गणराज देश में भारत का अगला राजदूत डॉक्टर सुहेल अजाज खान को नियुक्त किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे नंबर मिस्टेक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को जोनस यूएसए टुडे की मनोरंजन जगत का 50वीं सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो हाल ही में भारतीय अभिनेत्री जो है उसका नाम प्रियंका चोपड़ा है, जिसे यूएसए टुडे की मनोरंजन लागत की 50वीं सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। और प्रियंका चोपड़ा के बारे में बता देना चाहता हूँ दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा 2000 में मिस वर्ल्ड रह चुकी है भारत की, और पहली मिस वर्ल्ड जो रह चुकी है उसका नाम रीता भारिया है, जो 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी, जो मुंबई से में जन्म ली थी दोस्तों। रीता भारिया मुंबई से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट डेविस मालपास को नियुक्त किया गया है। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कितने क्रम के वे प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, तो यहाँ 13वें क्रम के वे प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, और उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, गौतम गंभीर को पछाड़ कर आईपीएल में सर्वाधिक 37 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर को पछाड़ कर आईपीएल में सर्वाधिक 37 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज डेविड वार्नर बने हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि किस भारतीय बॉलीवुड को दिया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लंदन ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि भारतीय बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को दिया है। आगे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन 6वां नंबर है, ये स्पेलिंग मिस्टेक, यहाँ पे सीरियल नंबर मिस्टेक है। यहाँ पे देख सकते हैं, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल कर क्या रखा है? तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल कर नूर सुल्तान रखा है। इसके पहली राजधानी, इससे पहले जो राजधानी थी उसका नाम अस्ताना था दोस्तों। तो कजाकिस्तान दोस्तों एक ऐसा देश है जो कई बार अपनी राजधानी बदल चुका है। तो अस्ताना से पहले भी इसकी कुछ और राजधानी हुआ करता था, तो बहुत बार ये बदल चुका है अपनी राजधानी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कजाकिस्तान का बात हो रहा था, कजाकिस्तान का यहाँ पे प्रेसिडेंट आप देख सकते हैं कासियम जोमसान टोकायो है प्राइम मिनिस्टर, अस्कर मामीम है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। और 7वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए नए हेलीकॉप्टर का क्या नाम है? तो भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए नए हेलीकॉप्टर का नाम बोइंग CH-47 चिनूक है। और इसकी विशेषता है दोस्तों, ये 315 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ऊंचाई पे उड़ सकता है, और ये दोस्तों अमेरिका में बन रहा है। तो अभी तक लगभग भारत को 4 हेलीकॉप्टर बना के दे चुका है अमेरिका, और लगभग 11 हेलीकॉप्टर अगले साल तक दे सकता है। इसकी ये क्या कर सकता है, ये भारी भरकम सामान को ले जाने में सक्षम है, इसलिए इस हेलीकॉप्टर को बनाया गया है। अब 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, देना और विजया बैंक का विलय होकर देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनने वाला का क्या नाम है? देश का तीसरा सबसे बड़ा बनने वाले बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का विलय होकर बना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कौन सा स्थान विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन रहेगा? तो लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान तासीगंग नाम का स्थान है जो विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन रहेगा। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एशियाई ओलंपिक परिषद समिति का सदस्य चुना गया है? तो उसका नाम है सरदार सिंह। सरदार सिंह ऐसे भारतीय खिलाड़ी जिसको एशियाई ओलंपिक परिषद समिति का सदस्य चुना गया है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। तो इस प्रकार की रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।